अगर होश में होते, अगर होश में होते ये शीशे के मकान ना बना डालते, अपने दिल में यूं ही ये उल्फत के तूफान ना उठा डालते। एक तेरी याद थी आंखों में भरी, यूं ही हम अपनी बात को शरेआम, जी हाँ शरेआम ना सुन डालते। नदियाँ पर्वत झील सब बेमानी है तेरे सामने, यूं ही नहीं अपने दिल को तेरे सामने गवा डालते। रब तेरी कसम तुझसा सुंदर नहीं दूजा, लेकिन यूं ही नहीं उसके सामने तुझे हम भुला डालते। सब पूछा करें मुझसे ये उल्फत का सबब, सब पूछा करें मुझसे ये उल्फत का सबब, हम यूं ही नहीं लोगों के सामने झूठ बता डालते। कुछ तो है बातों में मगर, कुछ तो है बातों में मगर, दिल का हाल यूं ही नहीं बता डालते। आके किस्मत में नहीं कोई तेरे, तो फिर अपने सपनों की बात क्यों सबसे ऐसे ही बता डालते। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून ऑन रेडियो धड़कन। जी दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके पास, आपके साथ आपका सुंदर, बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है स्वर संगम। जी हाँ दोस्तों, स्वर आपके, गीत भी आपके, संगम कराएगा रेडियो धड़कन। दोस्तों आ गया हूँ आपके पास, आपके साथ आपका सुंदर, बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है स्वर संगम। स्वर आपके, गीत भी आपके, संगम कराएगा आपका अपना रेडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिल्कुल ही मेरी ही तरह, है ना? तो चलिए आगाज कर रहे हैं आज बहुत ही सुंदर गीत के साथ, और तो सुनवाते हैं उनकी प्यारी सी आवाज और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं टेकचंद अग्रवाल और आशिया चंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सर मुझे आज एक गाना सुनना था, फिल्म है कन्यादान और गायक है मोहम्मद रफी, और गाने के बोल हैं मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, और सर डेडिकेट है सबसे पहले आपको, और साथ में हमारे मित्र हैं सतीश रघुवंशी जी, पार्थ जी, गणेश दास जी और सभी मित्रगण। सर ये गाना सुना दीजिएगा सर। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। जी दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है। तो आगाज कर रहे हैं इस बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ। से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती।
की राहें मेरे दिल से दिल मिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और। जी हाँ, और बात कैसे नहीं होती, क्योंकि हमारे तीन साथी और इंतजार कर रहे हैं इसी खूबसूरत गीत का। आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशी का साथ में है अंजलि जंघेल। आप हैं त्रिलोक चंद वर्मा, भगवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, सुभाष। अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, तो कुछ। जी हाँ, बात तो कुछ और ही है, मुस्कुरा रहे हैं आपके अपने साथी। जी हाँ, सुभाष के साथ साथ हैं एक और साथी, संतोष, दिनेश, समरराज, आर्यन बेबी, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। होती तो कुछ और बात होती। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। तो बस सभी साथियों की पसंद का यह बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत आज आगाज हुआ है इस सुंदर बेहतरीन गीत के साथ। ये खुशी रहे सलामत, यूं ही जश्न हो सुहाना, जिसे सुन रही है दुनिया, मेरे दिल का है तराना, मेरे साथ तुम भी गाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। बढ़ते हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत की ओर, और इस गीत को सुनना चाहा है। सभी को अनीता फडणवीस का प्यार भरा नमस्कार। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में युद्ध भूमि पर लड़ने वाले जवानों के लिए लता दीदी और कई फिल्मी कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किए। वहां के रोमांचकारी हृदय स्पर्शी अनुभव पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने लिखे है कुछ दिन पहले, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। युद्ध भूमि के दुर्गम प्रदेश में ले जाने वाले छोटे हवाई जहाज में लोहे की जंजीर पकड़कर लोहे की बार पर बैठना पड़ता था। स्टेज भी अस्थाई और छोटा। सुनील दत्त जी निवेदन करते थे, माला सिन्हा और नरगिस शुभेच्छा और आभार का काम करती थी, फिर दीदी अपने गीतों से जवानों में जोश पैदा करती थी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, ये गीत सुनते ही विभिन्न जात प्रांत और भाषा वाले जवान अपनी भाषा में दीदी का जय जयकार करते थे। कोई वंदन करता, कोई शुभेच्छा देता, कोई दीदी कह के गले लगा के रो देता। ऐसे 20 दिनों में लगातार 22 कार्यक्रम उन्होंने किए। एक जगह जहां मराठी जवानों की संख्या ज़्यादा थी, वहां लता दीदी ने ए मेरे वतन के लोगों इस हुक्मी सांत्वना गीत की जगह एक वीर रस प्रधान गीत गाया। हे प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। ये गीत पूरा होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, भगत सिंह, सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांति वीरों का आवेशपूर्ण जयघोष गुंजायमान होता था। घर लौटने पर लता दीदी को पता चला कि मुंबई में ही युद्ध भूमि का जाधव नामक एक जवान अपने अंतिम क्षणों में दीदी का गाना सुनना चाहता है। दीदी तुरंत वहां पहुंची और वीर जवान जाधव का पसंदीदा गाना सुनवाना शुरू किया। आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखिया, थक गई पंथ निहार। दीदी गाती रही
और फिर डॉक्टर ने इशारा किया कि जख्मी जवान सभी यातनाएं भूलकर उस पार चला गया था। अपने भावनाओं को काबू में रखकर दीदी शांत रही, लेकिन आंसू भरे नैनों से हाथ पकड़कर चल दी। तो ललित जी इसी बात पे अपने जवानों को श्रद्धांजलि के तौर पर धड़कन परिवार के मंच से देशभक्त लता जी का आजारे परदेसी ये मधुमती फिल्म का गाना आप सुनवा दीजिए। धन्यवाद। तो सुना आपने दोस्तों, कितनी मधुर आवाज में उस खूबसूरत लम्हों को कितने बढ़िया और सुंदर माहौल में बदलकर एक अनोखापन किया। और सच में उस गीत की जो लाइनें हैं, जो गाई हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात उस स्थान पर खड़े होकर उस सभी दृश्यों को, मंजर को देख रही हैं। उनके शब्दों में आत्मीयता, भावनाएं और वाणी तो ऐसी है, क्या कहें। थैंक यू सो मच दीदी, आपने वाकई बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, मधुर तरीके से जो आपने इस खूबसूरत गीत को बांधा है, संजोया है, सुनवाते हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, इस गीत को उसी रूप में सोचना है, समझना है और सुनना है, जिस प्रकार से जो भूमिका बांधी गई है उसी अंदाज में। इसे सिर्फ गाना ना समझें, उन शहीदों को याद करके इस सुंदर गीत को सुनेंगे तो वाकई बहुत ही आनंदित हो जाएंगे।
बढ़ते हैं एक और हमारे नए साथी की ओर, देखते हैं क्या लेकर आए हैं आपके साथ, आपके पास स्वागत कीजिएगा एक और हमारे साथी का, जिनका नाम है मिनेश पटेल। रेडियो धड़कन में मैं मिनेश पटेल बोल रहा हूँ। ललित कुमार जी, मेरे परिवार के सभी सदस्य जैसे मम्मी पापा और वाइफ भारती और मेरे आकाशवाणी एकता परिवार के सभी सदस्य जैसे आशिक मुखी, अफजल भाई, रसिक भाई, गोपाल भाई आदि के साथ तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज स्वर संगम में मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी फरमाइश पूरी कीजिएगा। आज का जो मेरा गाना है वो मैं मेरे मामू को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें बहुत ये गाना पसंद था। गाय और गौरी फिल्म का है गाना, गुनगुना के मैं ये गाना प्रेषित करता हूँ। गोरी ओ गोरी, प्रेम कर ले ऐसा प्यार ये फिर ना मिले गा गोरी। प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिले फूल फिर ना मिलेगा। गोरी ओ गोरी, प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। गोरी ओ गोरी, जी दोस्तों, बहुत ही अनसुना सा ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना था हमारे मिनेश पटेल गुजरात से। बढ़ रहे हैं हमारे एक और साथी की ओर। आदरणीय ललित जी और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों को इंदौर से सुधीर कुमार राव का नमस्कार। आज जो गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म अफसाना का है। ये 1966 में बनी थी, जिसके कलाकार थे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और पद्मिनी। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत चित्रगुप्त का है। अफसाना नाम से 1951 में बी आर चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी, जिसमें अशोक कुमार, वीणा और प्राण थे। वह उस फिल्म का रीमेक बनी थी दास्तान नाम से, जिसमें दिलीप कुमार का डबल रोल था। खैर, आज की अफसाना का यह गीत आप सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगा। चांद कितनी दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। चांद कितनी दूर था,
सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। चांद कितनी दूर था। धन्यवाद। वाकई सुधीर साहब, आपकी आवाज एक तो बहुत ही साफ है, खनक है, करारी है, और जो अल्फाज आप बोलते हैं बिल्कुल क्लियर साउंड हमें सुनाई देता है, और लयबद्ध तरीके से आप बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं। आप गाया करें, आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है। चांद कितने दूर था, सितारे कितने दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। चांद कितने दूर था, सितारे कितने दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। तुम्हारा हाथ रात पे फिना का रंग मल गया, तुम्हारा हाथ रात पे फिना का रंग मल गया, हमारे दिल के ताक में चराग शौक जल गया। दो बदन अंजुमन सजा गए। चांद कितने दूर था, सितारे कितने दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। दुल्हन बनी हुई खड़ी हो तुम लिबास नूर में, दुल्हन बनी हुई खड़ी हो तुम लिबास नूर में, के सर झुका रही है चांदनी मेरे हुजूर में। आस पास कितने ख्वाब झिल मिला गए। चांद कितने दूर था, सितारे कितने दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। बुझा दो प्यास प्यार की लबों से कुछ तो बोल दो, बुझा दो प्यास प्यार की लबों से कुछ तो बोल दो, बस एक नींद सो सकूं ये जुल्फे नाज खोल दो। के हम तो जगमगा गए। चांद कितने दूर। बढ़ते हैं एक और हमारे नए साथी का स्वागत कीजिएगा। आप हैं यशवंत साहू और साथ में लेकर आए हैं रमेशिया साहू, अंश साहू और हर्ष साहू, कर्मा चौक लोहारी डी छत्तीसगढ़ से। सुना चाहते हैं, कहिए क्या सुनेंगे आप? जी हाँ, ऐसा एक गीत है। कह रहे हैं हमसे, हम नए जुड़े हैं, पहली बार आपके कार्यक्रम में हम आए हैं, तो बस आशा करते हैं कि ये गीत आप हमें ज़रूर ज़रूर सुनवाएंगे। तो चलिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह।
ही किसी का इंतजार। कौन है वो? वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। जी हाँ दोस्तों, इतनी ही गिनती काफ़ी है और पहली बार आए हैं और बस फिलहाल के लिए इतनी ही गिनती काफ़ी है। और बच्चे जब नए नए आते हैं तो बस सबसे पहले धीरे धीरे गिनती सिखानी चाहिए। अगर पूरी गिनती 100 तक सिखाएंगे तो भूल जाएंगे ना, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं एक और हमारे साथी की ओर और बहुत दिनों बाद आए हैं। आज का कार्यक्रम स्वर संगम में विशेष फरमाइश मेरी यानी सतीश रघुवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ। गीत के बोल हैं, शायराना सी है जिंदगी की खता, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। आशा करता हूँ सर जी कि आप मेरी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और इसी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत का आनंद ले रहे हैं आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार और एक और साथी हैं। इन्हीं के साथ आप हैं सुंदरनगर कोका भिलाई से भावन दास, खुशालानी, पद्मा खुशालानी, कमल, मुकेश, मनीषा, जयेश खुशालानी। जी हाँ, बहुत ही खुश हो रहे हैं इस गीत को सुनकर, आनंदित हो रहे हैं और मज़ा भी ले रहे हैं इसी सुंदर गीत के साथ। बढ़ रहे हैं एक और साथी की ओर, उनकी आवाज और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, खूबसूरत गीत। आदरणीय और सम्मानीय ललित जी नमस्कार, और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। धर्मपुरी जिलाधार मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद। आज के इस प्रोग्राम में मुझे फिल्म लफंगे का गीत सुनना है, आवाज़ लता मंगेशकर की। गीत के बोल हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार,
आदरणीय ललित जी इस फरमाइश को जरूर पूरा करें। धन्यवाद। उड़ चला उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। जी दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये बहुत ही सुंदर गीत सुना, वाकई बहुत ही कमाल का। आ रहे हैं हमारे एक और साथी सुंदर गीत लेकर। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। आज के स्वर संगम कार्यक्रम में सबसे पहले मैं ललित भाई को नमस्कार करता हूँ। मैं पटना बिहार से राजकुमार कर्ण बोल रहा हूँ। साथ ही मेरे रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। आज के स्वर संगम कार्यक्रम में जो मैं गीत सुनना चाहता हूँ वो फिल्म सूरज और चंदा से है, जो फिल्माया गया है संजीव कुमार जी पर। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। यह गीत मुझे बहुत पसंद है और आशा करते हैं कि रेडियो धड़कन के सभी मित्र को यह गीत जरूर पसंद आएगा। नमस्कार ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर दिल
विदा है उस नजर को ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है दिल की पहचान ले मैं कौन हूँ तू ये जान ले आवाज दिल की पहचान ले मैं कौन हूँ तू ये जान ले एक रात का सितारा एक सहर को ढूंढता है जाने वफा ओ जाने जिगर ये जिंदगी तो है एक सफर इस सफर में एक मुसाफिर हम सफर को ढूंढता है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत। बढ़ रहे हैं एक और साथी की ओर और आ रहे हैं कुछ अपनी शायरी के साथ गुनगुनाते हुए। स्वर संगम के वॉइस चॉइस में मैं रफ़ी रहमान मंगल बाज़ार कटिहार से आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। रीता गुप्ता वाजी, नीता दी और ललित सर जी, आपको हमारा बेशुमार यादें और सलाम। काफ़ी दिनों बाद आज स्वर संगम के वॉइस चॉइस में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। आज मैं जो गीत सुनना चाहूँगा वो गीत रेडियो धड़कन के सभी दोस्तों की नज़र और रीता गुप्ता बाजी, नीता दी और ललित सर जी, आपको भी मेरी ये गीत डेडिकेट है और हमारे ख़ास दोस्त जसपुर उत्तराखंड के रियासत हुसैन सिद्दीकी और नजमा बेगम सिद्दीकी के नाम भी मैं ये गीत डेडिकेट करूंगा। उम्मीद ही नहीं, पूरी तवक्को है कि आप सभी सामाईन को, रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी दोस्तों को पसंद आएगा। गीत सुनने से पहले एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन मेरी सदा है तू, दिल की धड़कन मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू, चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़कर, चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। रेडियो धड़कन मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। बराए करम ललित जी, मेरी पसंद का ये गीत जो शेर से बिल्कुल मिलता जुलता है सुनाने की जहमत करें, एंड नवाजिश होगी। मैं
अपनी पसंद का जो गीत है उसे गुनगुनाना चाहूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी गुनगुना दें। ममनून होऊंगा। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती, ये दुनिया को बता दूंगा। फिल्म जनता हवलदार का ये गीत अनवर की आवाज़ में सुनवा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। रफ़ी साहब, वाकई आपकी शायरी में जान है और बहुत ही शानदार, आप हमेशा ही इंस्टेंट शायरी लिखते हैं और गुनगुनाते हैं। आपने मुझे भी गुनगुनाने के लिए कहा है तो आपका बहुत शुक्रिया। फिल्म जनता हवलदार से ये बहुत ही सुंदर अनवर साहब की खूबसूरत आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और फिल्म जनता हवलदार। वाकई बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गीत। कोशिश करते हैं गुनगुनाने की। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती, है ये दुनिया को दिखा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती, है दुनिया को दिखा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में नीचे हम सफर मेरे, अरे ओ हम सफर मेरे, जहाँ होगा कोई कांटा, जहाँ होगा कोई कांटा, वहाँ मैं दिल बिछा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके
तुझको उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। बहारा चीज क्या है फूल कलिया किस को कहते हैं कि कलिया किस को कहते हैं लहू मेरा सलामत में लहू मेरा सलामत में तेरा जीवन सजा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। जी दोस्तों, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म जनता हवलदार से। वाकई अपने आप में बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर। बढ़ रहे हैं एक और साथी की ओर। इस गीत को सुना चाह है किशोर कुमार सांवले ने। सुनवाते हैं उनकी आवाज़ और उनके साथ साथ हम कई नाम शामिल करेंगे। आदरणीय ललित सर और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, आज हम स्वर संगम कार्यक्रम सुन रहे हैं और रेडियो धड़कन हर दिन सुहानी शाम में इस नीले अंबर के तले हम सभी श्रोताओं के लिए मनोरंजन और प्यार का खजाना लेकर आता है और हम सभी इस खजाने को पाकर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दिल की प्यास बुझ जाती है। तो इसी क्रम में मैं आज कलाकार फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ और इस गीत के बोल इस प्रकार से है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर। हार्दिक धन्यवाद सर। जिस अंदाज में आपने ये गीत गुनगुनाया है और जिस अंदाज में आप आए हैं अपनी फरमाइश के साथ, आपकी आवाज़ वाकई बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। और इनके साथ साथ हमारे एक और साथी हैं, आप हैं राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े और ज्योति नरवाड़े। आप हैं नारायण खर्चे और ललिता खर्चे हैं और गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, खुशी चे, वंद्रा खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी इंदौर से, सुंदरनगर कोका भिलाई से, भावन दास खुशालानी, पद्मा खुशालानी, कमल मुकेश, मनीष पटेल, अमनेश जयस खुशालानी। इनके साथ साथ एक और साथी हैं, आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी। चारों साथियों की पसंद का बहुत ही सुंदर गीत नीले नीले अंबर पे। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को प्यार से खसने को बाहों में बसने को दिल
मेरा ललचाए कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। आप हैं भानु प्रताप पुर कांकेड़ जिला छत्तीसगढ़ से, भानबेड़ा मंगवाल से, भारतराम पडौटी, जयंती पडौटी, हेमंत पडौटी, उमंग पडौटी और मोक्ष पडौटी। इन्होंने भी लिखा है कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर सकते हैं। हम वही गीत ले रहे हैं जिन्होंने कहा है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा को। और एक और साथी हैं हमारे जिनकी आवाज हम सुनवाने जा रहे हैं, उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से। और अब तो ठंडी ठंडी नहीं होगी, गर्म गर्म होने वाली है, और सारी जितनी भी ठंडी ठंडी वादियाँ हैं अब बहुत गर्म होती जा रही हैं। डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच में बारिश होने के कुछ चांसेस हैं तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन हम आवाज़ सुनवा रहे हैं अपारे उमा सिंह जी को, ठंडी ठंडी वादियों से आए हैं, लेकिन पता नहीं ठंडी है या नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, दानिश, आरुष, शौर्य बन्नी की तरफ से आप सभी सम्मानित श्रोताओं को, रेडियो धड़कन परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ललित जी और नीता मैम जी, आप दोनों आदरणीय उद्घोषकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी श्रोता साथी आवाज़ के दुनिया के दोस्त सुन रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे गाना सुना दीजिएगा स्वर संगम के माध्यम से, पंख होती तो उड़ आती रे। और ये गाना आप सभी तमाम दोस्त जितने भी हमारे रेडियो धड़कन कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी को समर्पित कर दीजिएगा और हमें भी सुना दीजिएगा। आप भी सुनिए, तमाम दोस्तों को भी सुना दीजिए। धन्यवाद आरजे ललित साहब जी, स्वर संगम के माध्यम से आप सबों को उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल अलग अंदाज, ठंडी ठंडी वादियों से अच्छा हमारा प्यारा नमस्कार। पंख होती तोड़ आती रे, रसिया जाने तोड़े।
जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। और हमारी एक साथी हैं, बहुत ही प्यारी साथी हैं, और नाचीज़ को हम बताएंगे क्या कहते हैं। कह रही हैं हमसे कि हद करते हैं आप सर, ईमानदारी से बताना होगा, आप लगातार 8 बजे से स्टूडियो पर काम प्रोग्राम में लगे रहते हैं, न भूख न प्यास, ओह सलाम सल्यूट है आपकी ड्यूटी के लिए, नमन है, ओह क्या बोलें आपके लिए, सुबह 6 बजे जाना है, अभी तक कोई तैयारी नहीं, क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। और आज सुनना चाहती हैं बहुत ही सुंदर गीत, अनसुना सा गीत है जो 1964 में आया था फिल्म सती सावित्री से। सुनवाते हैं उनकी आवाज़ और बहुत ही सुंदर गीत भी। जब से गई हो मेरी पल के नला गिरे, जब से गई हो मेरी पल के नला गिरे, सारी सारी रतियां में तो रो रो के जागिरे, इस आग लागिरे, याद न जाती निंदियान आती, कभी तो मिलोगे जीवन साथी, कभी तो मिलोगे जीवन साथी। नाचीज को रश्मि झरना कहते हैं राजकोट गुजरात से। साथी ललित सर लता जी की ये गीत में आवाज है, इसके बारे में तो कहूँ तो क्या कहूँ, बस आपसे विनती है, गुजारिश है, निवेदन है कि आज की आपकी स्वर संगम की महफिल में ये एक मेरा पसंद का जो रेयर सॉन्ग है वो सुनाएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको और ललित सर, रेडियो धड़कन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को ये गीत जरूर पसंद आएगा। श्रोताओं, आप भी मेरा ये गीत सुनकर बताइएगा हाँ कि ये सॉन्ग आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ललित सर शुक्रिया, धन्यवाद। गीत आपका वाकई बहुत ही सुंदर है, अनसुना सा है, और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा गीत लेकर आते हैं, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर गीत भेजते हैं, हमेशा अनसुना सा गीत भेजते हैं, जो कम सुना गया है उस गीत को ही भेजते हैं। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे ही हैं जो कम सुना गीत लेकर आते हैं, खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर अपने गीत संगीत के खजाने से एक हीरे मोती के समान प्यारे सुंदर गीत को लेकर आते हैं। उनमें से आप भी साथी हैं, और सभी साथियों को नाम हमने बताई दिया है। सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, अनमोल खूबसूरत गीत। I'm
हैं आपके साथ ही हेलो रेडियो धड़कन। जी हाँ, इसी अंदाज में हेलो रेडियो धड़कन। मैं आप सबका प्यारा दुलाला छोटा मोटा नन्ना सा जीएमडी मुन्ना हूँ जी, और स्वर्ग संगम के माध्यम से एक गीत पेश नजर कर रहा हूँ जी अपने धड़कन सुपर स्टारों के साथ, जिनमें आदरणीय दीदी रीता गुप्ता जी हैं, कुलदीप गुप्ता जी हैं, जयंती खसिया जी हैं, प्रवीण श्रीमान श्रीमाली जी हैं और भैकू भाई जी हैं। और गीत के बोल हैं, सर पर लंबा टोप लेके आएगा तेरा दूल्हा। ये गीत फिल्म इज्जत का है। ये गीत जयललिता और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। हम धड़कन सुपरस्टारों को उम्मीद है ये गीत आप सभी को जरूर पसंद आएगा जी। बात बाकी सब ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार। यही तो एक अच्छी बात है कि बाकी सब ठीक है। धड़कन के सुपरस्टार्स ग्रुप की ओर से ये बहुत ही सुंदर गीत। टोप लेके आएगा, चोंच जैसी नाक पे खुजाएगा तेरा दूल्हा, दूल्हा दूल्हा होगी धू धू सारे गांव में गांव में। काजल वाली तू पाएगी कोई मवाली, चोटी के बाल पकड़ के हर बात पे देगा गाली। सुन ओ काजल वाली तू पाएगी कोई मवाली, चोटी के बाल पकड़ के हर बात पे देगा गाली। सुन ओ जुल्फों वाली तू पाएगा दुल्हन खाली, जब मांगेगा खाजी पूरी दे मारेगी सर पर खाली। सर पर लंबा टोप लेके आएगा, होगी तू तू सारे गांव में गांव में। काजल वाली जब आएगा तेरा मचंदर, चौ में गाएंगे सेहरा और नाच करेंगे बंदर। हो जी हो भैंस जैसी तोंद लेके आएगी, सर पर लंबा टोप लेके आएगा तेरा दूल्हा, तेरी दुल्हन। यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो सुना दीजिए अपने साथियों को क्या आप कौन सा गीत लेकर आए हैं। रेडियो धड़कन के आज के स्वर संगम कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय ललित कुमार जी तथा नीता अग्रवाल जी और रेडियो धड़कन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को विनायक धनेश्वर नासिक से हमेशा की तरह प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी मित्र राजी खुशी में होंगे। आदरणीय ललित साहब, आपने स्वर्ग नर्क फिल्म देखी होगी जो 1978 में रिलीज हुई थी। ये बी नागी रेड्डी की पारिवारिक फिल्म थी जिसमें जितेंद्र,
मौसमी चटर्जी, शबाना आजमी, विनोद मेहरा और संजीव कुमार थे। बहुत एक अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म का आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो मैं आज सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। यह गाना जितेंद्र और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया था। गाने के बोल कुछ इस तरह है, अरे नहीं नहीं क्या, अरे नहीं नहीं कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, इसका है मतलब देख के तुमने लाखों हंसी, अरे नहीं 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 कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी। ललित जी, आज स्वर संगम कार्यक्रम में इस गाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा और कल भी फिल्मी सितारे कार्यक्रम में मौसमी चटर्जी के ऊपर था, मगर मैं किसी वजह से उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाया था, तो आज इस गाने का आपसे हम उम्मीद करते हैं। आप बहुत दिनों बाद आए हैं, तो चलिए सुनवाते हैं हमारे धनेश्वर, विनायक धनेश्वर नासिक से सुंदर गीत लेकर आए हैं बहुत दिनों बाद, तो सुनवाते हैं उनकी पसंद का यह खूबसूरत गीत। नहीं नहीं क्या, अरे नहीं नहीं, अरे बाबा क्या, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, इसका है मतलब देखे तुमने लाखों हंसी, अरे नहीं 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 कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हंसी, अरे नहीं 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 कोई तुम साहसी। थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया, आहा यूं ही थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया, मैंने तो देखा नहीं जलवा कोई हुस्न का, तुमने है जो बात किसी में हो, तुम में है जो बात किसी में देखी ना वो बात कहीं, अच्छा जी, अरे नहीं 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 कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, कितनी नादान हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे, लेकिन तुम हो मेरे जैसे, मैं कैसे कर दूं यकीन, अरे नहीं 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 कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी, नहीं नहीं कोई तुम साहसी। जी हाँ, कोई तुमसे हंसी नहीं है और सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी, सब हसीन हैं, बहुत ही सुंदर हैं। बढ़ रहे हैं हमारे साथी की ओर, पार्थ की ओर। नमस्ते ललित सर, पार्थ बोल रहा हूँ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप, आशा करता हूँ सभी आप ठीक होंगे। और मेरा एक पसंदगी का
गाना है अनुराधा पौडवाल जी का, वो एक गाना मैं आपको बताता हूँ, दोस्त मिलते यहाँ दिल को दुखाने के लिए, ये गाना आप जरूर प्ले करिएगा और आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, थैंक यू। साथियों हम कुछ नाम शामिल कर रहे हैं, ग्राम वडगांव डिगी तहसील नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोदवड़े, माधुरी बोदवड़े, आकाश कुमार बोदवड़े संत गाडगे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं, अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, लोकेश कुमार गाठोड़े पहुर जीरा तहसील शेगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, किशोर पारस्कार, शीतल पारस्कार, रुचिता पारस्कार और ईशानवी पारस्कार। इनके साथ साथ एक और साथी हैं, हमारे कई साथियों की फरमाइश आज नहीं चल पाएगी और आप हैं हमारे साथी अजीत भाटिया कानपुर यूपी से, और साथ में हमारे एक और साथी हैं अशोक कुमार केशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से। उनके गाने हम सुरक्षित रखेंगे, किसी न किसी प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। और इनके साथ साथ हमारे एक और साथी हैं, आप हैं हमारे साथी धनंजय वाघ, और साथ में हैं गजानन सरकाले और राशिद हुसैन अंसारी, शशिकांत डी काबले, सुरेश चौरसिया, ताज मोहम्मद अंसारी। और सभी साथियों का ये हम एक गाने में समाहित करेंगे, आखिरी जो गीत आ रहा है इस गाने के बाद, उसके बाद अंतिम गीत होने वाला है सोलवी हवारी की पसंद का। और सोलवी हवारी के साथ सभी साथी शामिल हैं इस बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं स्वर संगम कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर। सोलवी हवारी जी, रेडियो धड़कन का लोकप्रिय आरजे प्लस सिंगर, रेडियो धड़कन का आन बान शान सुपर आरजे प्लस सिंगर मिस्टर ललित कुमार सर जी, आपको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही आदरणीय दीदी नीता अग्रवाल जी को भी दिल से प्यार भरा नमस्कार। आवाज़ के दुनिया के तमाम दोस्तों को, अभी अभी रेडियो धड़कन सुन रहे सभी दोस्तों को, गुणजनों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। आदापुर ग्राम और अय्या पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर से मैं सोलवी हवारी, अश्वर संगम में मैं गाना लेकर आया हूँ। गायक होंगे भीमसेन जोशी जी और ये राग भैरवी पर आधारित है। गाने का मुखड़ा गुनगुना रहे हैं सर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हरे दिशा से
बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हलके हलके ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आदरणीय दीदी नीता अग्रवाल जी को और साथ में धड़कन परिवार और गोल्डन परिवार और जितना भी गुणीजन सुन रहे हैं सबको ये मेरा गाना डेडिकेट है। ओके सर, धन्यवाद। मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अपने आप में ऐसा लगता है कि बस पूरा देश एक गीत में समाहित हो गया। ये तो है हमारे देश की पहचान। हमारा देश महान है, बहुत प्यारा है, विभिन्नताओं में एकता का संदेश देता हुआ ये खूबसूरत गीत। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा म्यान तरस म्यान तरस है म्यान तरस वट बनिए तरस। तेरा सुर मिले मेरे सुर के नाल मिलके बने नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुझो सुर तुझे सा प्यारा मिले जदे गीत असा जो मधुर तरानो बने तदे। सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दा रूप लेके बरसे होले होले। நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯ ತೀರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ ನಾ ಸ್ವರಮು ನೀ ಸ್ವರಮು ಸಂಗಮ ಮೈ ಮನ ಸ್ವರಂಗ ಅವತರಿಂಚಿ ಎಂದೇ ಸ್ವರವೂ ನಿಂಗಳೂಡೆ ಸ್ವರವೂ ಒತ್ತು ಚೇರ್ನು ನಮ್ಮೂಡೆ ಸ್ವರಮಾಯಿ सुर मोदे सुर सृष्टि तुम्हार सुर मोदे सुर सृष्टि करू कोई
मा मारा सरर मिलन सृष्टि करे चालू चतनु बरसती धारा सुर की नदिया हर दिशा से बहते सागर मिले मिले बादलों का रूप लेके बरसे हलके हलके ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा देश प्रेम और देश की भाषाओं को एक गीत में समाहित पूरे देश को एकजुट कराने वाला बहुत ही सुंदर, अलग अलग भाषाएं बोली अलग अलग भाषाएं अलग, लेकिन फिर भी हमारा देश है एक। अनेकता में यानी कि विभिन्नता में अनेकता का संदेश देता, एक सूत्र में बंधा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत देश प्रेम की भावना को जगाता यह खूबसूरत गीत। जी हाँ, ये था आज का अंतिम बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत, और इसी गीत के साथ आज का स्वर संगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त अपने होश आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, शबा खैर, शबा खैर, शबा खैर, शबा खैर, शबा खैर, शबा